कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 20 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 20 खबरें। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर से 25 फरवरी को बरामद हुई विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुरू कर दी है। मंगलवार को पहुंची टीम ने मुंबई में उतरते ही कई जगहों पर छापेमारी की। 2016 के गजाली होटल फायरिंग केस में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने डॉन रवि पुजारी की पुलिस कस्टडी को 15 मार्च तक बढ़ा दी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान डॉन ने अदालत में सभी को हैरान करते हुए कहा कि वह पुलिस हिरासत में रहना चाहता है। हालांकि पुजारी की मांग के विपरीत उसके वकील ने पुलिस कस्टडी का विरोध किया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि अगर सांसद डेलकर ने अपने संसदीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली में जान दी होती तो उनको कभी भी न्याय नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने मुंबई में सुसाइड किया। अब कुछ शिवसेना के मुखपत्र सामना ने लोगों को चेता दिया है कि अगर वे कोरोना नियमों का पालन नहीं करते हैं तो महाराष्ट्र के लोगों को एक बार फिर से लॉकडाउन झेलने के लिए तैयार रहना होगा। उत्तराखंड में पिछले 3-4 दिन से चल रहे सियासी ड्रामा बुधवार को खत्म हो गया है। पौड़ी लोकसभा सीट के सांसद और आरएसएस के प्रांत प्रचारक रहे तीरथ सिंह रावत को राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया। देहरादून में हुई पार्टी विधायक दल की बैठक में उनके नाम की मुहर लगी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में आज बुधवार को सदन की कार्यवाही जारी है। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने मनोहर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज ने दावा किया है कि यह प्रस्ताव ही गिरेगा, सरकार नहीं। ठीक है। भारत में सोमवार को कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन डोज ने 20 लाख का आंकड़ा पार किया है और अगले दिन ही 35% तक कम हो गए। मंगलवार को 13.59 लाख डोज ही दिए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार सुबह 7 बजे तक डेटा के मुताबिक भारत में अब तक 2.43 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। इनमें 2 करोड़ पहले डोज और 43 लाख दूसरे डोज में शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज बुधवार दोपहर को नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल करेगी। नामांकन से पहले वह यहां मंदिर में पूजा करेगी। इसके बाद यहां उनका एक रोड शो भी होना है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर से 25 फरवरी को बरामद हुई विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सचिन वाजे पर एक्शन लिया है। उन्हें क्राइम ब्रांच के हेड की पोस्ट से हटा दिया गया है। मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शुरू कर दी है। देश में कोरोना के मरीजों में तेज बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। मंगलवार को 16,846 नए मरीजों की पहचान हुई। 20,138 ठीक हो गए जबकि 113 संक्रमितों ने जान गंवाई। ठीक होने वाले 20,000 मरीजों में से सबसे ज्यादा 12,138 महाराष्ट्र के हैं और इसके बाद 4,386 केरल के हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान को कोरोना की मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन समझौते के तहत वैक्सीन सप्लाई होगी। इसके जरिए पाकिस्तान को वैक्सीन के 1.6 करोड़ डोज दिए जाएंगे। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ चल रहे विरोध को दबाने के लिए सैनिक लगातार गोलियां बरसा रहे हैं। गोलियां बरसा रहे सैनिकों के सामने नन सिस्टर एनरोजनु तावंग खड़ी हो गई। उन्होंने सैनिकों से कहा, बच्चों, महिलाओं, प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाना बंद कीजिए। सबसे पहले मुझे गोली मारिए। मैं तब तक नहीं हटूंगी जब तक आप यहां से नहीं चले जाते या मेरी मौत नहीं हो जाती। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी वीरेंद्र कुमार को उनके पद से हटा दिया है। उनकी जगह पी निरंजन को राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को यह निर्देश भी दिया है कि वीरेंद्र को चुनाव से जुड़ी कोई भी जिम्मेदारी ना दी जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राज्य के बजट के दौरान मंगलवार को भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मैंने जब टीवी पर यह देखा कि कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदर्शन के दौरान एक ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं और पार्टी की महिला विधायक वाहन को रस्सी से खींच रही है, तो मुझे बहुत दुख हुआ।
उत्तर प्रदेश में कानपुर के एक गांव में गैंगरेप की शिकार लड़की के पिता को पुलिस और पीड़ित बेटी की नजरों के सामने ट्रक ने रौंद दिया। हादसे के बाद घायल पिता को घाटमपुर CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के तुरंत बाद पुलिस लड़की और उसके पिता का शव ले जाकर जिला मुख्यालय आई। पुलिस ने गैंगरेप के मुख्य आरोपी दरोगा के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। दरोगा बांदा में तैनात है। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में अपना ठिकाना बनाने का फैसला लिया है। CM ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यह अपनी एक कुटिया बनाएगी। वह TMC बोली, 100 शुभेंदु अधिकारी भी ममता को नहीं हटा पाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कार्यकाल के शुरुआत में ही यह साफ कर दिया है कि उनका प्रशासन चीन को लेकर किसी भी तरह से नरमी नहीं बरतेगा। अब अमेरिका के इस रुख से यह साफ हो गया, तिब्बत को लेकर चीन की जिनपिंग सरकार को आराम से नहीं बैठने देगा। बॉलीवुड हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती है। हाल ही में उनकी बुक अनफिनिश्ड लॉन्च हुई है, जिसे फैंस ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। इसके बाद अब प्रियंका चोपड़ा ने एक मैगजीन के लिए फोटोशूट कराया है। इस फोटोशूट में प्रियंका ने ट्रांसपेरेंट शेयर टॉप पहना हुआ है। अर्शी खान बिग बॉस 14 में चैलेंजर के रूप में पहुंची थी। उन्होंने लोगों को खूब एंटरटेन किया। हाल ही में उन्होंने मुंबई में अपना नया घर खरीदा है। उन्होंने अपने आशियाने की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की है और सलमान खान का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की बेटी इरा खान लाइमलाइट से दूर रहती है, लेकिन सोशल मीडिया पर उतनी ही एक्टिव भी रहती है। हाल ही में वह अपने बॉयफ्रेंड नुपुर शिकरे के लिए हेयर स्टाइलिस्ट बनी। सोशल मीडिया पर इनकी फोटोज खूब वायरल हो रही है। तो टॉप 20 के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए BKB न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।